हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैंने केक के लिए 3 बिस्किट लिए हैं, 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, और ये पार्ले जी बिस्किट से ही मैं केक बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इन्हें खोलकर और मिक्सी के जार में डाल लूँगी और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। तो जो हमारा बैटर होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये मिश्रण पिस गया है, बिस्किट जो पिस गई है। तो इसे मैं बाउल में ले लूँगी, और बाउल में लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी। दूध ही डालेंगे जिससे कि अच्छा बैटर बनेगा। तो ये देखिए, मैंने दूध डाला और इसे दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बैटर को हमें घोलते जाना है। तो सॉरी, बट मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ के बना रही हूँ कैमरा, एक हाथ मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मैं रुक रुक कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बैटर बन के रेडी हो गया है, और ये बैटर हमारा काफ़ी स्मूथ बना था। तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमें। तो ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं, और ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद हम जिसमें हमें केक बनाना है वो टिन तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास टिन तो नहीं है, तो मैंने एक बॉक्स लिया है, तो उसमें ही मैं ये बनाऊंगी। तो ये देखिए, घी लिया है मैंने, घी से इसे ग्रीस कर लिया, पूरे में अच्छी तरह से लगा लेना है। और घी ग्रीस करने के बाद हम जो बैटर लिए हैं उसमें एक दो बार और थोड़ा सा फेंट कर और उसमें इनो डाल देना, और इनो हमें ये जो 1 पैकेट होता है इनो का, इसका हाफ डालना है हमें। तो बस इनो डालकर एक साइड पर ही चलाना है, और तुरंत ही हम टिन में डाल देंगे। और कढ़ाई जो थी मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था हाई फ्लेम में, ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो ये देखिए, और जो ये लिड है इसमें मैंने आटा लगाया है, ताकि जो भी स्टीम होगी वो बाहर ना निकले। तो बस हमारी कढ़ाई हो गई है। तो बस मैंने अब एकदम गैस को स्लो फ्लेम में कर दिया है, और केक का बैटर रख दिया है, और केक हम 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे, और वो भी स्लो फ्लेम में एकदम। तो ये देखिए, तो हमारा जो केक है वो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये केक बना है मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली, क्योंकि उनका आज बर्थडे है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर उनको बर्थडे विश कीजिए, क्योंकि वो भी कमेंट रीड करते हैं। और अगर आप हम लोगों को थोड़ा सा और चाहते हैं कि मैं आगे जाऊँ, तो आप प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, और उनको ब्लेसिंग दीजिए बहुत सारी, कि हम लोग को बहुत आगे जाए। तो ये देख लीजिए, मैंने इसे निकाल लिया, और ये काफ़ी अच्छी तरह से निकल गया था, ठंडा होने के बाद निकालना है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से निकल गया है, ये देखिए वो कितना अच्छा है। तो मैंने इसे चॉकलेट से डेकोरेट किया था, पर मैं उसकी क्लिप लेना भूल गई थी। तो ये देखिए, और चॉकलेट से आप डेयरी मिल्क से ही मैंने नॉर्मली, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और मैंने सरप्राइज़ दिया था, तो जो घर में था उसी से मैंने बनाया था। तो बस ये देखिए, चॉकलेट से ऊपर इस तरह से बना लेंगे, आप डेकोरेट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए आप भी खा लीजिए, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।